हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू धमाकेदार गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग फिर दोबारा से खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर। हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने एयरपोर्ट की ड्यूटी संभाली थी, बट अब हम लोग दोबारा यहाँ पर आ चुके हैं। तो फटाफट चलते हैं एंड अपने बॉस को मुनाफा देते हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने पिछली बार जहाँ छोड़ा था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने लेवल 4 कर दिया था एंड अपना अपग्रेड कर दिया था गैस स्टेशन 3 लेवल तक। एंड हम लोगों को एक टास्क मिला हुआ था राइट साइड में, जो फ्यूल करना था 45 एंड 100 कस्टमर को संभालने के, मतलब ऐसे हमारे पास टास्क आ रखे थे। तो मैंने अभी बैठ के सारा टास्क कंप्लीट कर दिया, बस 2 रह चुके हैं, जिसमें से हम लोगों को एक कस्टमर को सर्व करना है, 5 कस्टमर से टिप लेना है। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे मिशन कंप्लीट कर देते हैं एंड जो अपने गैराज के हैं नेक्स्ट लेवल तक लेके चलते हैं फटाफट। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक कस्टमर आया है जो फ्यूल भरवाना चाहता है, तो फटाफट इसका फ्यूल हम लोग यहाँ पर भर देते हैं भाई। ओके, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसका फ्यूल भर दिया एंड मैं यहाँ पर पहले कचरा हटा देता हूँ भाई, क्योंकि हमेशा कचरा हो जाता है इकट्ठा और कस्टमर हमको रेटिंग फिर देता नहीं है। जो हमारे अब लेवल हो चुका है 5 लेवल हो चुका है, तो मैं फटाफट यहाँ पर कस्टमर को हैंडल कर लेता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं ये लोग हमको टिप देते हैं कि नहीं देते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों को अभी टिप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एंड वो अगर हम लोगों को हर कस्टमर देता है तो हमारा जो मिशन है कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। तो इसने हम लोगों को टिप दिया है गाइस $1.42 का एंड अभी मैं फटाफट इस मैडम को भी सामान दे देता हूँ। ओके गाइस, तो इन दोनों कस्टमर ने हमको जो है टिप दिया है, काफ़ी अच्छी बात है एंड मैं अभी अपने जो एम्प्लॉई है उसको बोल देता हूँ कि भाई जल्दी आ एंड तेरे को पेमेंट कर रखा है मैंने, गैराज के कस्टमर को तू जाके जल्दी से संभाल एंड वो चला गया गैराज के कस्टमर को संभालने एंड मैं यहाँ पर सफाई कर देता हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो चुकी है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो जो हमारी रेटिंग है 5 लेवल तक हो चुकी है एंड अभी हम लोगों को फ्यूल मंगा लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले फ्यूल मंगा लेता हूँ यहाँ पर, सप्लाई 200 लीटर में मंगा लेता हूँ। लिखा है द ऑर्डर हैज बीन, ओके रुको भाई। ठीक है, अभी हम लोग ओके, तो हम लोग $200 यहाँ पर, मतलब 200 लीटर हम लोगों ने अभी मंगाया है, तो हम लोगों को अभी अपग्रेड करना पड़ेगा अपना वेयर हाउस भी, तो वो भी हम लोग अपग्रेड करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसकी गाड़ी में यहाँ पर तेल भर देते हैं भाई, फ्यूल भर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो एंड्रयू है इसको भी हम लोग फ्री कर देते हैं भाई, ताकि वो हमारा जो है पैसा ना ले भाई। चल भाई फ्री हो जा। ठीक है, तो बस 3 कस्टमर से हम लोगों को टिप चाहिए, तो फटाफट हम लोग टिप ले लेते हैं भाई। तो गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताता हूँ, हम लोगों ने जब गेम स्टार्ट की थी हम लोगों को 5 कस्टमर से टिप लेनी थी एंड मेरे को लग रहा था काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पर 5 कस्टमर अभी तक आए एंड 5ों ने टिप दिया। आप लोग देख सकते हो कि हमारी पॉपुलैरिटी एक बार भी घटी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है एंड हमने यहाँ पर अपना जो है काम कर दिया है। बस मैं यहाँ पर एक बारी देख लेता हूँ, फ्यूल पे एक बंदा है, गैराज पे एक बंदा है, तो फटाफट हम लोग अपने एम्प्लॉय को भेज देते हैं वहाँ पर, पहले पेमेंट करते हैं। ठीक है भाई, ताकि ये भी खुश रहे और हम लोगों का काम एकदम बढ़िया करे। तो ठीक है, अभी हम लोग इसको रिपेयर कार के लिए भेज देते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पर एक कस्टमर आया है जो कि पेट्रोल भरवाना चाहता है, तो मैं यहाँ पर फटाफट इसका पेट्रोल भर देता हूँ। अब गाइस, फाइनली हम लोगों को राइट साइड में करंट टास्क आया है, जिसमें हम लोगों को अपना गैस स्टेशन लेवल 4 करना है। तो अपग्रेड योर गैस स्टेशन टू लेवल 4, तो फटाफट चलते हैं भाई एंड लेवल 4 कर डालते हैं यार। तो 1 लेट्स गो, यो नाइस। तो लेवल 4 यहां पर हमारा हो चुका है गैस स्टेशन एंड अब देखते हैं क्या क्या खुलने वाला है। तो फटाफट इस मैडम को हम लोग निपटा देते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमारा लेवल 4 हो चुका है, अभी मेरे को कॉल आ रही है, आंसर द फोन। ठीक है, फटाफट चलते, चच्चा का फोन होगा भाई, चच्चा का फोन। तो चच्चा का कह रहे हैं भाई। ठीक है गाइस, भाई तूफान, गाइस रेतीला तूफान आ रहा है, भागो भागो, मैं नहीं निकलने वाला बाहर, भागो भाई साहब। तूफान आ चुका है गाइस, बहुत ही ज्यादा तेज यहाँ पर तूफान आ गया एंड अब मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आप लोग देख सकते हो भाई, बिजली भी गिर रही है। ओ भाई
तो मेरे ऊपर कुछ ना हो जाए, मैं फटाफट उसको ओ भाई तू भी जा जल्दी से पेट्रोल ले और निकल, अपने घर चल, जा से जल्दी चल जा, नहीं तो तू भी उड़ जाएगा मेरी तरह। एंड मैं अभी देख लेता हूँ सारा, हम लोग फटाफट गैराज अपना वेयर हाउस बंद करके आते हैं भाई, ताकि तूफान इसके अंदर ना घुस जाए, मिट्टी मिट्टी ना हो जाए। फटाफट सारा हम लोग बंद कर देते हैं एंड अभी छुप जाते हैं कहीं जाके। ओ भाई साहब क्या तूफान है भाई। ए मैडम तुझे तूफान नहीं दिख रहा है? पूरा मेरा रेत रेत हो चुका है एंड अभी इसको कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। मतलब इसको सामान चाहिए तो चाहिए, ठीक है भाई। एंड मैं तो घर नहीं जाने वाला, तुम लोगों को जो उड़ना है अपनी आंखों के अंदर मट्टियाँ उजेड़नी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है भाई। मतलब जितने कस्टमर आ रहे हैं पता है, सबके सब हम लोग टिप दे के जा रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। एंड अभी आप लोग देख सकते हो कि तूफान निकल चुका है एंड वहाँ पर पुलिस वाला फंस गया भाई तूफान में, उसकी गाड़ी रुक रुक के चल रही है भाई, ठीक है। गैराज पे गुंडा है, फटाफट हम लोग इसको निपटा देते यार। एंट्री वो ठीक कर रहा है भाई गैराज इसकी गाड़ी। ओ भाई साहब इसको तो ठीक है, बढ़िया एकदम बढ़िया है, रिपेयर कर दे सारा चीज़ एकदम बढ़िया रिपेयर कर दे। ओके नाइस ब्रो, थैंक यू वेरी मच, दोबारा ज़रूर आना। एंड एंड्रयू तू एक काम कर, अपना टास्क कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, तू पेमेंट ले और फटाफट जा मेरे भाई, थोड़ा सा आराम कर ले, ठीक है भाई। ये गया आराम करने के लिए। एंड अभी हम लोगों को फिर दोबारा से कॉल आ रही है, तो मैं फटाफट कॉल चेक कर लेता हूँ किसका। पक्का चचा का कॉल आया है यार, चचा जी हम लोगों को कॉल करके टास्क कम्प्लीट। ओके गाइस, तो अब हम लोगों को यहाँ पर गाड़ियों में से करनी है चोरी, मतलब सबकी गाड़ियों में से डिग्गी खोलनी है। तो मैं फटाफट एक बार आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ, 10 मिनट के अंदर हम लोगों को 10 गाड़ियाँ खोलनी है। तो फटाफट मैं यहाँ पर गाड़ियाँ खोल देता हूँ, देखो ऐसे करके पहली गाड़ी हम लोगों ने खोल दी, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है इस चीज़ में। एंड मैं फटाफट सारी गाड़ियों को यहाँ पर पेट्रोल भर देता हूँ एंड उसके बाद इस वाली गाड़ी को भी हम लोग जो है खोल देते हैं भाई। हाँ भाई तेरी डिग्गी कहाँ है? ये रही डिग्गी भाई, इसकी जो है ना लॉक काफ़ी ख़तरनाक लॉक है, खुल गई भाई, ठीक है। तो अभी हम आ रहे जो है कस्टमर आ रहे हैं काउंटर पे भी, तो मैं फटाफट एंड्रयू को बुला लेता हूँ। भाई जल्दी आ, तेरी यहाँ पर हेल्प चाहिए मेरे को, तो इसको मैंने यहाँ पर बुला लिया है भाई, ठीक है। तो ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस हमारे पास एक और चैलेंज आ चुका है, जिसमें हम लोगों को इस बार 100 गाड़ी फ्यूल करनी है और 250 कस्टमर को सर्व करना है एंड 25 गाड़ी को रिपेयर एंड 100 टिप्स कमानी है, तो देख लेते हैं भाई, ठीक है गाइस। तो साथ ही साथ ये सारा काम हो रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद ये सारी गाड़ियों की पहले हम लोग डिग्गी खोल लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना अपना अपग्रेड करेंगे। लॉल गाइस एक चांस है मेरे पास, तो मतलब भाई ये तो हम लोग यार हल्के में ले रहे हो यार, तुम तो हल्के में ले रहे हो भाई। चलो पुलिस वाली गाड़ी आई है, देखते हैं इसकी, हाँ ठीक है इसकी डिग्गी खुलेगी, तो फटाफट इसकी डिग्गी खोल देंगे भाई। ओके तो फटाफट इसकी डिग्गी। ओके गाइस तो हम लोगों ने पुलिस वाली की भी डिग्गी में से कुछ सामान नहीं निकाला, बस खोल दिया है एंड पैसे चोरी कर लिए हैं। गैराज पे बंदा आ चुका है एंड मैं फटाफट इन सबको जो है ना निपटारा कर देता हूँ यहाँ पर। मैडम जी, ए मैडम काओगो गाड़ी में भाई काओगो, ठीक है। तो हम लोगों के पास भाई स्क्रैच गार्ड एक ही पड़ा है, मिरर भी एक ही पड़ा है, लेकिन टायर काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। स्क्रैच गार्ड चाहिए भाई हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है, काश इसका एक ही चीज़ ख़राब हुआ हो, मैं नहीं चाहता। ओके गाइस तो इसकी एक टायर भी पंचर है, तो मैं यहाँ पर टायर भी लगा देता हूँ। ओके गाइस तो हम लोगों के पास यहाँ पर अब जो है गैराज में भी सारा सामान ख़त्म हो चुका है और अब मेरे को लग रहा है सप्लाई हम लोगों को, मैंने सप्लाई मंगाई थी वो भाई मैं भूल गया था एक ही, लेकिन एक ही स्क्रैच गार्ड मंगवा रखा था। एंड इसको वापस इसमें प्लेस कर देते हैं एंड मिरर यहाँ डाल देते हैं सारे, ठीक है गाइस। तो अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर मंगाना भी पड़ेगा और ओ भाई मैं तो भूल गया, मेरे को डिग्गी भी खोलनी है, 4 ही मिनट बची है और अभी तक मैंने सिर्फ 4 ही गाड़ी खोली है, तो फटाफट सारी गाड़ियाँ खोल देते हैं भाई। अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर यहाँ पर हैंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मास्टर लॉक है तो एक ही बारी में खोल देते हैं, मास्टर लॉक हमसे चालाकी है भाई। तो बस गाइस 2 गाड़ियों का और हम लोगों को जो है लॉक खोलना है, उसके बाद हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये टाइम लैग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें,
बस लॉक खोलना है। तो अभी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कचड़ा भी इकट्ठा हो चुका है एंड मैं यहाँ पर सारे कचड़े हटा भी देता हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ ना भाई, हम लोग जो है ना अपना गैराज, वेयर हाउस, ये सब अपग्रेड भी कर देते हैं भाई, और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर अपग्रेड हो जाएगा ना, ये देखो गाइस बदमाश बंदे ने यहाँ पर क्या बना रखा है। तो कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से फटाफट। नाइस बोलते पब्लिक, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया हो चुका है। एंड गाड़ियाँ जल्दी आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट सभी के सभी आ जाओ। तो जब तक नहीं आ रहे तो मैं क्या करता हूँ गाइस, पहले अपने केन में पेट्रोल भर लेता हूँ। आप लोगों को पता ही है अभी हम लोगों को एक जगह परचेस करनी है जिसका नाम पार्किंग है, एंड पार्किंग वाली गाड़ी में पेट्रोल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं उसको फुल कर देता हूँ यहाँ पर जब तक कोई गाड़ी नहीं आ रही। एंड 3 मिनट बची हैं और 2 गाड़ी हम लोगों को लॉक खोलना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये गाड़ी है तो फटाफट इसमें हम लोग भर देते हैं। एम्प्टी हो गया भाई, ठीक है। गैराज पे भी एक कस्टमर आ गया है और अभी मैं इस गाड़ी को लेके चलता हूँ साथ में, और एंड्रयू को बुला लेंगे अभी हम। यहाँ वाले मैं सोच रहा हूँ मिट्टी हटा देता हूँ और ये पार्किंग लॉट खरीद लेता हूँ। एंड अभी 3 मिनट बची हैं और 2 गाड़ी और आ चुकी है, तो फटाफट पहले हम लोग लॉक खोल लेते हैं एंड अपना टास्क कंप्लीट कर देते हैं भाई। तो गाइस ओ भाई ओ गान सब चुके भाई, तो अभी मेरे को फटाफट क्या करना पड़ेगा ना, एंड्रयू को हायर करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा भाई एंड्रयू। तो भाई पुलिस वाला तो जा रहा है भाई, गलत हो गया यहाँ पर सीन। तो मैं फटाफट पहले एंड्रयू को बुला लेता हूँ यहाँ पर। एंड्रयू भाई साहब $65 इसने यहाँ पर, तो भाई इसका पेमेंट दे देते हैं भाई। मतलब ना इसने ना कुछ किया ना कुछ किया, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर अपना काम संभालेगा एंड मैं यहाँ पर सारा अपना काम संभाल लेता हूँ। तो इसकी गाड़ी खुलनी है मेरे को, ठीक है गाइस। तो 1 गाड़ी रह गई है और 2 मिनट है अभी, तो फटाफट मैं इस गाड़ी में को भी खोल देता हूँ। यहाँ पर मास्टर लॉक है तो डरने का नहीं रहा बाबा, ठीक है। टास्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है यो बॉयज। एंड अब हम लोग पहले सारे कस्टमर को निपटा देते गाइस, फिर आप लोगों को दिखाते कि हम लोगों को क्या क्या काम करना है। तो फटाफट निपटा देते यार, दिक्कत किस चीज़ की है। तो यहाँ पर ये निपट गया एंड गैराज में एक कस्टमर है, फटाफट मैं गैराज जाता हूँ एंड उसके बाद इसको भी यहाँ पर निपटारा कर देते हैं। और ओके गाइस, तो यहाँ पर इस मैडम का भी काम हो चुका है एंड अभी मैं देख लेता हूँ कि मेरे काउंटर पर क्या क्या सामान ख़त्म हो चुका है। एंड ओ भाई यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं, और ड्रिंक के नाम पे, ठीक है ये सारे डाल देता हूँ मैं इसमें। एंड ओके ठीक है, तो ये सारा सामान यहाँ आ चुका है। अभी गाइस मैं क्या करता हूँ, फटाफट जो है डिलीवरी ले लेता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स की, स्क्रैच की। तो ये तो मंगवाने पड़ेंगे गाइस, तो मैं अभी भाई महंगा झेलना पड़ेगा भाई। तो फटाफट ये सारा सामान तैयार भी मंगा लेता हूँ, टायर भी महंगा चल रहा है, कोई बात नहीं भाई क्या ही कर सकते हैं। तो ये सारा सामान आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर डिलीवरी में प्रोडक्ट्स में अभी मेरे को स्नैक्स में ये सारा चीज़ मंगा लेना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोगों ने सारा कुछ मंगा लिया है एंड मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये साफ़ सफाई मच्छी के जेब में भर के लेके आते हो भाई। मतलब मच्छी का क्या करते हो भाई, मच्छी पकड़ने जाते हो क्या बे। ओके गाइस, तो अभी हमारा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और अब बारी आई है गाइस लेवल अप करने की, ठीक है। सारा कुछ हम लोग लेवल अप कर देंगे, जैसे कि वेयर हाउस एंड गैराज, ये सब हम लोग अपग्रेड कर देंगे। और यहाँ पर हमारी गाड़ी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, तो मैं ये मिट्टी भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है गाइस। तो मिट्टी भी यहाँ पर हट रही है एंड हमारा जो है सप्लाई भी आ चुकी है भाई। मतलब कि कितना ज़्यादा काम करें यार हम लोग, ठीक है कोई बात नहीं भाई। एंड अभी गाइस हमारी सप्लाई आ चुकी है एंड मैं फटाफट ये सप्लाई को अरे रुको सर अभी रुको, आपको अभी फ्री करते हैं भाई, है ना। हमारा एंड्रयू पता नहीं क्या कर रहा है, और मेरे को तो नहीं लग रहा है एंड्रयू जो है कुछ काम कर रहा है, क्योंकि गाइस काफ़ी देर से 2 कस्टमर हमारे वेट कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं यार। एंड मैं इसको फटाफट यहाँ रख देता हूँ, ठीक है तू निकल, जब तक वो गाड़ी आएगी तब तक हम लोग एंड्रयू को ऑर्डर दे के आ जाएंगे, पेमेंट करके आ जाएंगे भाई। मतलब ना ये लोग के भाव बहुत बढ़ जाते हैं,
और कोई बात नहीं, ठीक है भाई। और एंड्रयू है ही नहीं भाई, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एंड्रयू है ही नहीं, जाके कहीं बैठ गया है। मतलब $40 के लिए हमारा काम नहीं करेगा भाई, ठीक है। पहले पेमेंट करो। ओके पेमेंट करता हूँ भाई, आ जा फटाफट अपना कमांड संभाल। ठीक है ये आ रहा है, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी यार इसको भी दे देते हैं भाई। एंड एंड्रयू आ रहा है भग भग के, ठीक। और जल्दी चल, एक तब तेरे को पैसे दो, ऊपर से तू काम नहीं करता भाई। मतलब ना ये रो देते हैं यार काम करने, मतलब ना यही चीज होती है भाई लेबर। फटाफट यहाँ पर हम लोग सामान उठा लेते पहले यार, ठीक है ये सारा हो गया। एंड काफी देर से हमारे पास गैराज में बंदे भी नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं, सारा हो गया यहाँ पर। तो चल भाई फटाफट जल्दी जा, ठीक है। तो अभी गैराज पे भी कोई कस्टमर नहीं है, कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा सारा ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, ये वाली मिट्टी हटा देता हूँ भाई। एंड मैं सोच रहा था गाइस हम लोग जो है ना अपना पार्किंग भी एरिया बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ना पार्किंग एरिया जब बड़ा होगा तो कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे एंड प्रॉफिट भी हम लोगों को ज़्यादा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ये बस लास्ट रह गया, इसको उठा के साइड कर देता हूँ गाड़ी को, ठीक है भाई। ये एक तो पेट्रोल भी ज़्यादा पीती है, ऊपर से गर्म भी जल्दी होती है। तो ठीक है अभी बारी आ चुकी है गाइस हम लोगों की अपग्रेड करने की, सारा चीज़ अपग्रेड कर देते हैं। एंड एंड्रयू भाई तू अपनी सैलरी ले फटाफट, एंड रुक चल ठीक है, तेरे को यहीं से मैं पेमेंट दे दूंगा। एंड अभी गाइस हम लोग जो है अपना सारा चीज़ लेवल अप करने वाले हैं, एंड फटाफट हम लोग लेवल अप कर देते हैं। सबसे पहले वर्कशॉप से करेंगे लेवल 2, नाइस, ठीक है ये लेवल 2 हो चुका है। एंड उसके बाद देखते हैं दोबारा लेवल होगा क्या, उसके बाद हम लोग वर्कशॉप भी लेवल अप कर देते हैं। यो गाइस लेवल अप हो गया हमारा वर्कशॉप भी, एंड उसके बाद देखते हैं कि भाई पैसा कितना बचा है। पैसा भी है भाई, सारा अपग्रेड कर देंगे लेवल 3, इसको फिर दोबारा कर देते हैं। मात्र $400 में ये अपग्रेड हो रहा है, तो ठीक है कर दिया इसको अपग्रेड। एंड अब देख लेते हैं हमारा जो गैराज है उसको हम लोग कितना अपग्रेड कर सकते हैं, है ना भाई। एंड गैराज ये भी हो गया अपग्रेड लेवल 3 तक, अभी इसको हम लोग लेवल 3 रखेंगे सब चीज़ को। अभी बारी आई है हम लोगों की खरीदने की, कहाँ गया, फीचर्स डेकोरेशन टूल्स, फीचर्स में जाएंगे एंड पार्किंग में जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग ये वाली पार्किंग खरीदने वाले हैं, जिसमें हमारी 3 पार्किंग मतलब 3 गाड़ियाँ और खड़ी हो जाएंगी, तो ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं गाइस सोच रहा था हम लोग ना अपना पेट्रोल पंप भी बढ़ा लेते हैं भाई, अब वक्त आ चुका है एंड इससे हम लोग बढ़ा लेते हैं एंड अपना बिजनेस और ऊपर कर देते हैं भाई, ठीक है नाइस। एंड अभी हम लोग एंड्रयू को बुला लेते हैं फटाफट दोबारा से और गैराज में उसको भेज देते हैं भाई। पहले इसको पेमेंट करनी पड़ेगी एंड उसके बाद इसको बुला लेते हैं कार रिपेयर के लिए। ओके भाई आ जाओ, एंड यहाँ पर पहले मैं संभाल लेता हूँ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यो बॉय, एंड अब गाइस हम लोग इसकी गाड़ी में फ्यूल भर देते हैं भाई। ओके गाइस तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर भी अब गाड़ी पार्क हो रही है एंड फ्यूल लो हो चुका है, फ्यूल भी मंगा लेते हैं भाई। एंड अभी मैं फ्यूल सीधा 500 लीटर मंगा लेता हूँ, है ना, सप्लाई 500 लीटर। ओ भाई साहब, अरे चोरी कर लिया भाई, 3 पीस चोरी कर लिया भाई, मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया भाई, ठीक है कोई बात नहीं। वेयर हाउस अपग्रेड तो है यार, अभी कितना अपग्रेड करेंगे वेयर हाउस को भाई, लेवल अप तो हो चुका है, ठीक है गाइस कोई बात नहीं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर फ्यूल भी मंगा लिया है एंड वहाँ देख सकते हो आप यहाँ पर भी हमारा जो है ये वाला फ्यूल पंप भी काम करने लगा है। एंड अभी मैं सारा कुछ कर लेता हूँ, अब देखते हैं आगे चल के हम लोग जो है इससे कितना प्रॉफिट कमाएंगे। एंड अभी भाई तुम जाओ, फ्री हो जाओ, ठीक है भाई तुम्हारा पेमेंट हम कर देते हैं एंड आज की तुम्हारी छुट्टी, जाओ गो बैक टू होम, ठीक है। तो ये चला जाएगा वहाँ एंड इसको हम लोग उठा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई ये भी जा रही है। एंड ओके बॉयस आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोगों ने अपना सारा काम कर लिया है, एंड्रयू को भी छुट्टी दे दी है, वो भी ज़्यादा थक गया था एंड मैं भी ज़्यादा थक चुका हूँ। अब गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में,
और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि आपका सब्सक्राइब काफी मैटर करता है, बेल आइकन को दबा देना। एंड ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।